मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज जो किसानों का हालात है ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर और ख़ास करके हम बिहार का जिक्र करें तो आपसे मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, या वो चावल का मामला हो जो धान पैदा करते हैं उनके किसान का, पूरा शाहबाद का इलाका देख लीजिए, या वो मक्का पैदा करते हैं पूरे कोसी के इलाका को देख लीजिए, केला पैदा करते हैं, मखान पैदा करते हैं, आज उनका हालात क्या है, खाने के बिना छछन रहे हैं लोग। और कोऑपरेटिव किसी का धान नहीं लेता है, कोई धान खरीदने का काम नहीं, और धान के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो काला धंधा चल रहा है वो तो जग जाहिर है। और 29 और 30 तारीख को यहाँ रहेंगे और रह के सरकार के इस नीतियों का खिलाफ करेंगे, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पूरे देश में हम किसान एक साथ हो गए हैं, तमाम किसान एक किस्म से एक साथ होके इस नरेंद्र भाई मोदी का जो किसान विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और बिहार के जो किसान नीति है उसके खिलाफ भी, आत्मा परमात्मा के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहा है, और नरेंद्र जी से भी पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहा है, आपकी एजेंसी, इतनी सारी एजेंसी है, इतना सारा एनजीओ उसमें काम कर रहा है, वो पैसा कहाँ लूट के ले जाए, इनका कोई ऑडिट नहीं होता है, ये सही किसानों के यहाँ नहीं मिल रहा है। आज हम लोगों के बाल बच्चा, हमारे गार्जियन लोग आज भूख से और प्यास से मर रहे हैं। हम चाहते हैं तो बिहार के किसानों को न्याय मिले और बेहतर जिंदगी का उनका रास्ता को खोला जाए, यही बातों के लिए हम दिल्ली आए हैं और अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।